हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट लर्निंग डिसएबिलिटीज़। ओके, आज जो हमें जिस टॉपिक पर जो आज बात करेंगे, जो चीज़ जिस तरह की चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, वो क्या है, वो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ हैं। आप ही लोगों से बिलोंग करेंगे सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है, इसके जानने के लिए क्या होती है, दरअसल एक तो ये है, कोई भी क्लास के किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स है ये भी समझ सकता है क्या, मतलब देखिए 10 वर्ड आपको लिखे हैं बोर्ड पर, ठीक है, तो इनके एक्चुअली क्या है, एक तो आपको मीनिंग भी क्लियर हो सकती है, दूसरे क्या होता है, फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, तो कभी कभार क्या होता है, उनको वन वर्ड भी पूछ लिया जाता है कि मतलब भी ये वर्ड है, मतलब मोर देन वन वर्ड दिया होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, उसको कम करने के लिए फिर कहेगा आप इसको एक वर्ड में लिखना, इसे हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दैट्स इट। तो ऐसे ही इसमें भी पूछा जाता है, ठीक है, वो तो इनके सिलेबस में है ही, जो 3 नंबर का पूछा जाएगा, और इसके अलावा जो स्टेट है या सीटेट है ना, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन कुछ आए करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होता है, एक्चुअली होता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो तरह तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर एरिया से आते हैं कॉलेज में, है ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चों की तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर, क्योंकि जो IQ लेवल होता है सबका एकदम डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं कि सबका एक ही जैसा हो, है ना, तो ये उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, किसी तरह की जो सिम्टम होते हैं, जब बीमारी होती है, किसी चीज़ का कोई शिकार होता है, तो उनका क्या होता है, कोई एक नाम दे दिया जाता है, मान ली सपोर्ट दी किसी डॉक्टर के वहाँ जाएंगे, मान से ना, तो आपके अंदर मान ली खून की कमी है, तो वो ये नहीं कहेगा आपके बच्चे की खून की कमी है, ये चीज़ जब वो यही कहेगा इतना, तो एक ही वर्ड कहता है कि इसे ये क्या है, एनीमिया है, उस बीमारी को, डिजीज़ को क्या नाम दिया गया, एनीमिया, दैट्स इट। तो उसी तरह की मान लीजिए कुछ ऐसे ही आपके जो हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में भी होंगे, सपोज दैट मान लीजिए आप यहाँ पर आपको क्या लिखा है, डिसग्राफिया लिखा हुआ है ना, तो डिसग्राफिया का मतलब सोच रहे हैं क्या हो, तो डिसग्राफिया का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे मान लिया है राइटिंग डिफिकल्टी, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कुछ क्लास के अंदर जो होती है, जिनकी राइटिंग बहुत पुअर होती है, ख़राब भी होती है, दरअसल ये भी होता है ना कि उनको अगर लिखने के लिए कहा जाता है कि आप 18 लिखें, सपोज दे उनसे कह दिया गया 18 लिखें, तो वो क्या 81 यानी 81 लिख देते हैं ना, 12 कह दिया गया 21 लिख देते हैं ना, तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहता है कि ये बच्चे किस चीज़ के शिकार होते हैं, वो डिसग्राफिया का शिकार होते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को इस श्रेणी में गिना जाता है डिसग्राफिया की, जिनकी राइटिंग गड़बड़ हो या जिनसे कहा जाए 18 लिखने के लिए, वो 81 लिख दें, ठीक है, उम्मीद समझ रहे होंगे। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है, देखिए डिसलेक्सिया यहाँ पे लिखा था, डिसलेक्सिया क्या होता है, अब डिसलेक्सिया क्या मतलब ये होता है, रीडिंग डिफिकल्टी है ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी राइटिंग बढ़िया होती है लेकिन पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, पढ़ने में कमज़ोर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए नेचर लिखा है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ये नेचर है ना, लेकिन वो बच्चे क्या इसको नटूरे पढ़ सकते हैं, है ना, या मान लीजिए ये लिखा है नो, ठीक है, बट उन बच्चों को सारे बेसिक नॉलेज ना हो तो वो बच्चे इसको कुनो पढ़ देते हैं, है ना, तो फ्यूचर है तो फटूरे पढ़ देते हैं ना, तो इस तरह की जो तरह के सिम्टम होते हैं, ऐसी जो कमियां होती हैं बच्चों की, जो वीकनेस होती है कह सकते हैं, कमज़ोरी होती हैं, तो ऐसी तरह के स्टूडेंट होते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, डिसलेक्सिया, उनको बता दें बच्चा जो है डिसलेक्सिया का शिकार है, ओके। तो अब जिनको पढ़ने में तकलीफ है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुश्किल है, वर्ड नहीं पहचान पा रहे हैं, है ना, तमाम तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपके क्लास में, वराइटीज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ भी कह सकते हो इसे, खैर लेकिन वो यहाँ पर लागू नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर यह लिखा है डिसकैलकुलिया, क्या लिखा है, डिसकैलकुलिया, अक्सर क्या होता है, सारे बच्चों की मैथ्स बढ़िया नहीं होती है ना, तो मैथ्स सब कुछ बच्चे अलग, सबकी जो फील्ड होते हैं अलग अलग हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है ना, तो इसीलिए होता है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं जिन स्टूडेंट्स को मैथ में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिनको मैथ से काफ़ी डर लगता है, मैथ नहीं आती अच्छे से, है ना, मैथ में काफ़ी वीक होते हैं, वीक कमज़ोर होते हैं वो गणित में, है ना, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहता है, किस चीज़ का शिकार होते हैं, वो डिसकैलकुलिया, दैट्स इट। देखिए यहाँ पर लिखा डिस्प्रेक्सिया लिखा हुआ, डिस्प्रेक्सिया का मतलब यहाँ पर लिखा लर्निंग डिफिकल्टीज़, देखिए उनको ऑल द थ्री यानी तीनों तरह की प्रॉब्लम होती है ना, मान लीजिए लिखने के लिए कह दिया जाए तो लिखने में भी काफ़ी कमज़ोर हैं, पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो कुछ और पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये बोलने के लिए है, ये चीज़ें हैं सुनने में, मतलब तरह तरह की उनके हर तरह की जो उनके अंदर बीमारियाँ होती हैं, ना तो पढ़ने में ठीक है, ना बोलने में ठीक है, ना ना तो लिखने में ठीक है कह सकते हैं, ठीक है, सारी तरह की उसके अंदर जो कमज़ोरी होती है, हर तरह से जो कमज़ोर बच्चा होता है हर फील्ड में, ऐसे स्टूडेंट्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है, उनको क्या कहता है, ये कहते हैं डिसप्रेक्सिया, ओके। तो इनको सारे सिम्टम उनके अंदर नज़र आते हैं, ठीक, ना तो अच्छे से लिख पाएंगे, ना तो अच्छे से पढ़ पाते हैं, है ना, तो पढ़ने के लिए कुछ और कहा जाए या क्या लिखा तो उसको अपने हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए लिखा डिस्थीमिया होता है, ये भी सब एक मतलब इतना ना कहने का एक वर्ड कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा एग्जर्शन प्रॉब्लम होता है, एग्जर्शन प्रॉब्लम का मतलब ये होता है, ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी कभी कभी क्लास में देखे होंगे, तरह तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमेशा कुछ होते हैं चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, कभी हंसना ना बोलना, एकदम गुमसुद बैठे रहते हैं ना, तो ऐसे बच्चे ने गंभीर तनाव के शिकार होते हैं, एग्जर्शन प्रॉब्लम होता है, काफ़ी तनाव होता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, है ना, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं इस तरह के, तो उनको क्या कहा जाता है, वो किसका शिकार कहे जाते हैं, डिसथीमिया, दैट्स इट।
यहाँ पर लिखा है डिसमॉर्फिया। इस तरह के स्टूडेंट्स आपको हर कहीं पर मिलेंगे। देखिए नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट आल्सो अनदर बॉयज़, ओके। ज़रूरी नहीं होता है कि वो स्टूडेंट्स ही हों, और भी लोग दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो एक अपने आप को एक दूसरे से कुछ ज़्यादा अच्छा समझते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं दूसरे से, ऐसा लगता है जो कुछ हैं सब वही है ना। पढ़ने में अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हैं, काफ़ी लंबे हैं तो अपने आप को काफ़ी लंबा समझते हैं, ताकतवर समझते हैं। इस तरह की जो उनके अंदर क्वालिटी जो पैदा होती है, इस तरह की जो थिंकिंग होती है, सोच होती है, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा था, कहते हैं ये जो है डिसमॉर्फिया, ठीक है। ऐसे बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है, डिसमॉर्फिया के तहत, ओके। अच्छा आखिरी में लास्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा प्रोजेरिया लिखा है। अक्सर भी ऐसे भी बहुत सारे लोगों से अब मतलब रूबरू हुए होंगे, कभी कभी ऐसे कुछ बच्चे भी स्टूडेंट क्लास में कॉलेजेस में भी होते हैं जो क्या होता है, देख कभी आपके भी साथी होते हैं जो आपसे भी छोटे होते हैं, बट क्या है देखने में ऐसा लगता है कि वो आपसे काफ़ी बड़े हैं, है ना। तो एज प्रॉब्लम जो होती है यानी कम उम्र में बड़ा दिखना, ऐसे जो लक्षण होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे लोगों को किस कैटेगरी में बोला जाता है, प्रोजेरिया, ओके। फिर यहाँ पे देखिए डिस्फेजिया लिखा हुआ है। डिस्फेजिया का मतलब डिस्कम्फर्ट ऑफ, लिखा सॉल्विंग एज अ सिम्टम ऑफ डिजीज़। इसका मतलब ये कोई फिजिकल कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, ठीक है, कोई शारीरिक बीमारी है जिसकी वजह से बच्चा पढ़ने में कुछ उसको मतलब मुसीबत मतलब प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए गले में कोई दिक्कत है, कहीं से भी हाथ में, तो पढ़ने लिखने में मतलब किसी फिजिकल बीमारी की वजह से अगर बच्चे को इस तरह के जो मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तब क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, डिसफेजिया कहेंगे, ओके। सेकेंड लास्ट देखिए लिखा बुलिमिया लिखा, तो बुलिमिया का मतलब देखिए एपिटाइट से संबंधित है, भूख से संबंधित है, पेट से संबंधित है। ऐसे अमूमन ये होता है ज़्यादातर उन जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए बताया गया था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, इसे मान लीजिए उनके आगे आप प्लेट रख दीजिए, खाना रख दीजिए, वो खाते चले जाएंगे, लेकिन वो उनको पता भी नहीं चलेगा कि भूख लगी है, इतना खाना चाहिए इतना नहीं खाना चाहिए, है ना। तो उनको ये ना पता हो कि इतना में खाना है नहीं खाना है, वो खाते चले जाते हैं ना, तो पेट से रिलेटेड से तरह हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सब बुलिमिया कहते हैं, दैट्स इट। लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है डिमेंशिया लिखा है। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, जिसे किसी चीज़ के बारे में तर्क नहीं कर पाता, आता है सब कुछ है, मान लीजिए ऐसा लग तनाव में मतलब ग्रस्त है चीज़ है ना, तो वो किसी भी बात पर तर्क नहीं कर पाता है, और उसकी जो है स्मरण शक्ति जो मेमोरी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। किसी टीचर ने कहा कि आपको ये थोड़ी देर में लर्न करना, कुछ बच्चे इनका आईक्यू लेवल फास्ट है तो उसने लर्न करके तुरंत सुना दिया, कुछ बच्चा है तो वो दिन भर पढ़ा करता है और दो तीन घंटे पढ़े लेकिन वो कुछ भी नहीं, वो ऐसे वैसा रहता है। इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसका शिकार कहा जाता है, वो डिमेंशिया का, ठीक है। तो ये जो है मैंने बोला था ना, किसी भी क्लास के लिए कोई भी क्लास का स्टूडेंट्स है वो इस मीनिंग भी समझ सकता है, और खास तौर से अगर फर्स्ट ईयर इंटर की बात करें तो उन्हें वन वर्ड के भी काम आ सकता है ये, और बाकी जो है कुछ लोग जैसे होते हैं स्टेट या सीटेट की तैयारी करते हैं ना, उनमें भी इस तरह के एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी टॉपिक की तरह और भी टॉपिक के साथ, दैट्स ऑल।